हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज बहुत ही अच्छी खबर है युवाओं के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है एग्ज़ाम्स को लेकर, जो कि एक एजेंसी बनाई गई है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी। और सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को जो मंजूरी दी है, इसमें करोड़ों युवाओं को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है। रेलवे और बैंकिंग एसएससी की जो प्राथमिक परीक्षाएं, उनके लिए बहुत ही अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई गई है। और इस परीक्षा में यानी सीटेट का जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए मान्य होगा। और ये परीक्षाएं जो है अभी तक 2 ही भाषाओं में देनी पड़ती थी, 2 ही भाषाओं में ये इनको देने की इजाज़त थी, लेकिन अब इसके ज़रिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकता है। केंद्र सरकार ने लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और अभी केवल 3 ही एजेंसियों को ये सीईटी परीक्षा देने की मंजूरी मिली है। और आगे सभी भर्ती एजेंसियों को ये सीईटी की टेस्ट देने के लिए मंजूरी मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 ही जो एजेंसी हैं हमारी, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, ये सीईटी उन्हीं को ही परमिशन मिली है देने के लिए। और ये जो सीईटी स्कोर होगा वो एलिजिबल होगा 3 ईयर्स तक, और बच्चे जो हैं 3 ईयर्स तक अपनी रेलवे, बैंकिंग और एसएससी का एग्ज़ाम दे सकेंगे इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू सो मच।